तो दोस्तों मध्य प्रदेश ग्रामीण डाक सेवा का रिजल्ट जो है वो घोषित हो चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इस रिजल्ट को कैसे देख सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने लैपटॉप में या फिर अपने पीसी में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो भी हमारी पोस्ट ऑफिस की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर आपको आ जाना है। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आप जैसे ही क्रोम ब्राउज़र पर चले जाओ वहाँ पर आपको टाइप करना होगा AAPP पोस्ट .in। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर AAPP पोस्ट .in ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से सीधा ही जो पोस्ट ऑफिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आ सकते हो। तो आप देख सकते हो कि इसी तरह से इसका मतलब वेलकम इंटरफेस होता है ऑफिशियल जो पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट है। तो आप थोड़ा नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर आपको बता देगा रिजल्ट रिलीज्ड, मतलब दोस्तों जो इंडियन पोस्ट ऑफिस में जिन्होंने भी ये फॉर्म अप्लाई किया था उनका रिजल्ट अब आ चुका है। तो यहाँ पर हम क्लिक करके सिंपली अब इसे ओपन कर लेते तो जो है इसका पीडीएफ में ये रिजल्ट आया है। तो हम यहाँ पर शो इन फोल्डर करके पीडीएफ में देख लेते हैं कि रिजल्ट किस तरह से ये ओपन होता है। तो यहाँ पर जो है पीडीएफ में आ चुका है, यहाँ पर पूरा सभी जिन लोगों के यहाँ पर नाम यहाँ आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्शन लिस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवा ऑफ मध्य प्रदेश सर्कल साइकिल 2। तो यहाँ से दोस्तों आप कंट्रोल एफ करके फाइन भी कर सकते हो। यहाँ पर आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप डायरेक्ट ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका नाम यहाँ पर आया है या नहीं। यहाँ से दोस्तों आपको नेम वाइज पता चल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आपको पोस्ट नेम भी दिया गया है कि आपका कहाँ पर हुआ है सिलेक्शन। यहाँ पर आपको BO नेम मिल जाएगा, SO नेम मिल जाएगा, पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर नेम वाइज भी दिया गया है, आप पूरी तरीके से यहाँ पर PDF में आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो समझ में आएगी, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करना जिससे आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिल सके।